नमस्कार दोस्तों, आज हम उस इंसान की बात करेंगे जो इंसान उस बुलंदी पे पहुंच गया है जिस बुलंदी पे पहुंचने में लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई साल लग जाते हैं उस मकाम पर पहुंचने में जिस मकाम पे वो इंसान पहुंचा है, जिसका नाम है खान सर। खान सर दुनिया के सबसे बेस्ट गुरु हैं, उनका किरदार अच्छा है, वो इंसान बहुत बढ़िया है, फिर भी कुछ लोग उन्हें बदनाम करने के चक्कर में हैं, उनको उन पे कीचड़ उछाला जा रहा है, उनको कई कई कोशिशें करके उनको यूट्यूब छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, उनको बदनामी के कीचड़ में ढकेला जा रहा है। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे साथी, आप जहाँ कहीं भी हो, मेरी आवाज़ आपके पास अगर जा रही है, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ उनको सपोर्ट किया जाए, आज उनकी सपोर्ट किया जाए, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। खान सर दुनिया के सबसे अच्छे गुरु हैं, जिस स्टूडेंट की लत लग गई है पढ़ने की, उनके वीडियो देखने की, उस स्टूडेंट में जो जागृति आई है, पढ़ने की जो हौसला अफजाई हुई है, क्या कहा जाए, एक अलग अंदाज होता है उनका। इसलिए हिंदुस्तान में अगर रियल में देखा जाए तो खान सर ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, इसलिए किसी को उनके फेरे में नहीं पड़ना चाहिए, किसी विद्यार्थी को, किसी भारतीय नागरिक को उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि टीचर का ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है। हम लोगों को ये जानना है लोग उन्हें क्यों बदनाम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम करने के बावजूद उन्हें क्यों कीचड़ उछाला जा रहा है, उनको क्यों बदनाम किया जा रहा है। टीचर का एक अलग एक जाति होता है, एक अलग कौम होता है, जिसका नाम है गुरु। गुरु की परंपरा आज से नहीं बल्कि आदिकाल से चली आ रही है, भारत में ये नया नहीं बल्कि गुरु की परंपरा कई सालों से चलती आ रही है। गुरु ना तो कोई हिंदू होता है और ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है ना ईसाई होता है, गुरु का एक धर्म होता है शिक्षा देना, और गुरु का फर्ज होता है कि अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ाने का काम करे। तो आइए अब हम बताते हैं कि खान सर कितने अच्छे हैं, आइए हम शायरी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप इसको समझ जाइए, और जो भी भ्रमित हो रहे हैं, जो इस प्रकार का विवाद कर रहे हैं, प्लीज़ खबरदार हो जाइए, आप बर्बाद हो जाएंगे। एक नेक इंसान पे, एक नेक गुरु पे आप ऐसे कीचड़ नहीं उछाल सकते, आपका कोई अधिकार नहीं है किसी पे कीचड़ उछालना। खान सर आप बहुत अच्छे हैं, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं शायरी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि गुरु क्या होता है, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला गुरु ही होता है, और जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है उसके चरणों में एक दिन पूरा जहान होता है। तो गुरु ऐसे होते हैं। आइए कुछ और शायरी के माध्यम से बताते हैं कि गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना लिया, और दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई कि गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, कि गुरु ने मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया। वो गुरु ही है जिसने अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को कामयाब बनाता है, वो गुरु ही है जो एक
छोटे से बच्चों को सांचे में ढालता है, उसके कैरियर संवारता है, कैरियर बनाता है। तो आइए कुछ और हम सिखाते हैं कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते, जीवन जीना हमें सिखाते। खान सर का एक अलग अंदाज है, खान सर जो बोलते हैं बीच बीच में उसी शब्द से वो फेमस हैं, उसी शब्द से लोग उन्हें प्यार करते हैं। कोई लोग उन्हें साजिश कर रहे हैं कि ये राजनीतिक करते हैं, राजनीतिक वाले शब्द बोलते हैं। अरे खुदगर्द तुमको बुझा नहीं रहा है कि उनका अंदाज ही अलग है, उनका किरदार ही अलग है, उनका समझाने का तरीका ही अलग है। तो तुम जिस दिन समझ जाओगे ना, तुम खुद संभल जाओगे, तुम खुद संभल जाओगे कि रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में। खान सर प्लीज, रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जीवन से आसमां तक पहुँचने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे खान सर को मैं दिल से सलाम करता हूँ, ऐसे खान सर को मैं दिल से सलाम करता हूँ, ऐसे गुरुओं को सम्मान करता हूँ, ऐसे गुरुओं को सलाम करता हूँ जो इस प्रकार का मोटिव देते हैं, बच्चों को प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आइए हम उन गुरु को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो इस प्रकार का विवाद कर रहे हैं वो जाहिल हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो अपने बच्चों के बारे में सोचते, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते, न कि उनका कोई जाति के बारे में पूछते। टीचर का कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है। आप शिक्षा लेने आए हैं, आप शिक्षा लीजिए। सभी प्रकार के जाति धर्म एक गुरु से पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं। खूब खूब खान सर, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लव यू ऑल, लव यू खान सर। हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, और हमारे समुदाय के जितने भी लोग हैं, शिक्षा समुदाय के जितने भी लोग हैं और हमारे जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपके साथ हैं, ये पूरा देश आपके साथ है। प्लीज़ आप घबराएं नहीं, आप यूट्यूब ना छोड़ें, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें और वीडियो बनाएं। जय हिंद, जय भारत।